एट्थ क्लास दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर फाइव ऑफ सिविक्स अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओके सो नाउ वी हैव टू डिसकस वट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोजीक्यूटर कि पब्लिक प्रोजीक्यूटर होता क्या है ओके सो अ क्रिमिनल ऑफेंस इज़ रिगार्डेड एज अ पब्लिक रोंग देखो जो भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है वो पूरी पब्लिक के साथ ही रोंग होता है वॉट इज़ मीनड बाय दिस इट इज़ कंसिड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ऑनली अगेंस अफेक्टेड विक्ट बट अगेंस द सोसाइटी एज अ होल यानी कि जो भी वहाँ पर हादसा हुआ है या फिर जो भी वहाँ पर ऐसा क्राइम कमिट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से विक्टम्स ही नहीं हमारी जो सोसाइटी है हमारा जो सोशल लेवल है वो भी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अफेक्ट होता है एक्चुअली सो डू यू रिमेंबर द केस ऑफ द डॉरी डेथ ऑफ देखो सुधा एक डॉरी डेथ जो था पुराने टाइम मतलब काफ़ी पहले की बात है ये प्रीवियस चैप्टर्स में आपने ये सब पढ़ा हुआ है सो so, यहाँ पर लक्ष्मण और उसके फैमिली का जो केस यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था तो ये पूरा स्टेट का केस था ये सिर्फ लक्ष्मण और उसकी फैमिली का केस नहीं था इसको हम पूरा स्टेट के लिए बोलेंगे तो इस केस को लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स भी बोला गया था सेम टू तो सेम ऐसे ही यहाँ पर इस प्रेजेंट केस को भी स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम के नाम से और जाना गया था ना कि मिसेस शिंदे और शांति हेमरम के नाम से ओके सो यहाँ पर क्या है कि ध्यान से देखिए सो टेल मी देखो पब्लिक प्रोजीक्यूटर होते हैं आपके आ, वो लॉयर जो कि मिसेस शिंदे ने हायर किया है ना यानी कि जो पब्लिक को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं अब मिसेस शिंदे ने जिन लॉयर को हायर किया है अब वो जो है वहाँ जाकर क्या पूछते हैं उनसे कि सो टेल मी मिसिज शिंदे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग अब मिसेज शिंदे से वो पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि गोल्ड चेन आपकी गायब हुई कैसे अब मिसिज शिंदे क्या उसको वापस आप में बताते हैं कि आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉल शांति स्टोर इट नो अदर आउटसाइड एक्सेप्ट शांति गोज इन टू माई रूम मिस्टर शिंदे सर्च हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी वर शॉक्ड टू फाइंड रुपीज टेन थाउजेंड इन एन एंड शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन शी इज अ अथीव यानी कि मिसिस शिंदे को क्या लगता था कि मिसिस शिंदे ने कहा कि मैंने अपनी चैन लॉर में रखी थी और शांति ने ही उसे चुराया है क्योंकि उसके अलावा कोई और मेरे कमरे में आया नहीं बाहर का कोई घर में नहीं आया और मिस मिस्टर, मिस्टर शिंदे ने जब उसका यानी कि मेरे हस्बैंड ने जब उसका ट्रंक वगैरह चेक किया तो उसमें से टेन थाउजेंड रुपीज़ है कैनबल अपने मिले और ये पैसा वही पैसा होगा है बल्कि वो यकीन से कह रही थी कि ये पैसा मेरी चैन बेचकर ही आया है वो चोर है ऐसा मिसे मिसिस शिंदे ने कहा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है इन कोर्ट इट इज द पब्लिक रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट यानी कि स्टेट का जैसे ये स्टेट किसको कहा जा रहा है ये स्टेट कहा जा रहा है यहाँ पर मिस्टर एंड मिसिज शिंदे को ठीक है ना जो जिन्होंने केस फाइल किया था कि मेरे घर में चोरी हुई हो गई है तो वो पब्लिक प्रोजीक्यूटर कौन है वो लॉयर हैं जो कि मिसिस शिंदे ने हायर किया है तो ये पब्लिक प्रोजीक्यूटर जो है वो स्टेट के इंटरेस्ट को यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रोजीक्यूटर का जो रोल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बिरगिनज वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया होता है और वो चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल कर देते हैं उसके बाद लॉयर हायर किया जाता है और उसे ही हम पब्लिक प्रोजीक्यूटर कहते हैं सो ही शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन तो लॉयर को कोई भी इन्वेस्टिगेशन में अपना रोल नहीं प्ले करना था लॉयर को तो ये साबित करना होता है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सही हैं या फिर नहीं तो प्रोजीक्यूटर क्या करते हैं सब पूरा प्रोजीक्यूशन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट यानी कि मिस्टर एंड मिसिज शिंदे के के बिहाफ़ पर जो बेस्ट रहना था वो सब वो कर रहे थे एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इट इज़ हिज़ हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली और उसका जो मेन ड्यूटी है वो क्या है कि वो इम्पार्शली ही बिहेव करे एक्ट करे कोई भी यहाँ पर भेदभाव वगैरह नहीं आना चाहिए एंड प्रजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट और सारे जो डेटाज़ हैं उन्हें बहुत अच्छे से आ, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना सारे जो भी विटनेस हैं जो भी बयान अपना देते हैं जो भी प्रूफ्स अपना वहाँ पर दिए जाते हैं वो सारे वो बहुत अच्छे से प्रजेंट कर रहे बिफोर द कोर्ट टू अनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस कि जिनके बिहाफ पर जो जज साहब हैं वो ये हिसाब लगा सके कि कौन गलत है और कौन सही नेक्स्ट वट इज़ द रोल ऑफ जज अब जज का रोल क्या है क्योंकि हम यहाँ पर सभी के रोल कर रहे हैं यही सारे आई आपके क्वेश्चन भी बनेंगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन एट करके मैंने यहाँ ऐसे ही पिछली वीडियोज़ में भी मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ में बाकी अलग से मैं आपको बताऊँगी ओके सो द जज इज़ लाइक एन अम्पायर इन द गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शल एंड इन एन ओपन कोर्ट तो ये जज कौन है वो पर्सन है जो कि जैसे गेम में अम्पायर होते हैं ना वो बताते हैं अम्पायर होते हैं वो बताते है, हैं वो बताते है कि भाई बॉल थी या नहीं थी या फिर जो भी रहता है आप सबको तो पता ही होगा तो उसी तरीके से ये ट्रायल करते हैं वो भी इम पार्शल कि कोई भी किसी के साथ भी कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए वो भी कोर्ट में ये सब काम होता है द जज हॉर्ज ऑल द विटनसिज एंड एनी अदर एविडेंस तो जो भी एविडेंसेस होते हैं जो भी बयान देते हैं विटनेसिज होते हैं वो अपना अपना जो भी उन्होंने बोलना होता है उन सब की बातें जज सुन लेते हैं प्रेजेंटेड बाय द प्रोजीक्यूशन एंड द डिफेंस यानी कि डिफेंस के द्वारा जो भी कहा जाता है डिफेंस यहाँ पर कौन है वो जो मिसिज़ कमला रॉय थी वो डिफ़ेंस हैं क्योंकि वो बचा रहे हैं अपने मौके को और ये जो पब्लिक प्रोजीक्यूटर है ये दोनों ही मतलब जज हैं ये दोनों ही तो यही दोनों ही जो प्रेजेंट करेंगे जज के आगे वही जज देखे तो जज ही डिसाइड करेगा कि वो पर्सन जो है वेदर द एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी और इनोसेंट कि वो पर्सन असल में ही गुनागार है या फिर नहीं वो जो प्रूफ्स आते हैं उनके बेसिस पर ही और कानून के हिसाब से जो ठीक होता है उसी को ही चुना जाता है इफ़ द एक्यूज इज कन्विक्टन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस कि अगर अक्यूज जो है अक्ूज मतलब शांति जिसको यहाँ पर कहा गया है कि अगर जो मुजरम जिसको करार किया गया है अगर उसको मतलब उसका जुर्म अगर साबित हो जाता है तो उसको सज़ा दे दी जाती है और उसको जेल में या फिर जैसे भी फ़ाइन या जो भी उसका गुनाह है उसके हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करता है ना भाई देखो छोटा मोटा कोई गुनाह है तो फाइन लगा देंगे कोई बहुत बड़ा गुनाह है तो जेल और फाइन दोनों देंगे तो इसी तरीके से दिए जाते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फेयर ट्रायल सो वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टॉक टू मी